ये दही वाले पराठे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये ज्यादा टेंडर है और ये थोड़ा स्टिकी भी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दही डली हुई है और कुछ भी नहीं है, नमक और दही के साथ आपने ये आटा गूंदना है और इसमें आपको कोई स्टेप्स भी नहीं करने, सिंपल आपने डो उठाना है, पेड़ा बनाना है, रोल करना है, तवे पे डालना है और आपने इसको फ्राई करना और जनाब आपका पराठा तैयार हो जाएगा। और ये बहुत हेल्दी मजेदार होते हैं, आप इवन रात में इसे बना के अपने हॉटपॉट में रख दें, सेहरी में आप इसे गरम करके खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फ्रेश है या ये जो है वो रात के बने हुए। ये टिप तो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि बहुत सारी जो खवातीन है उनको बुरा ये लग रहा होता है कि सेहरी से पहले उठना है, फिर आटा रात में गूंदेंगी, फिर सुबह उठ के बनाएंगी, तो अब ये आपकी जान छूटने वाली है। रात में बना के रखते हैं, पूरा कंप्लीट डन करके अभी आप रख देंगे ना, इट विल नॉट गो एनीवेयर। और ये लाख दर्जा अच्छा है कि आप बाजार के फ्रोजन पराठे लाएं और आप वो जल्दी जल्दी बनाएं, वो हेल्दी नहीं होता। एक तो इसमें दही है, दही इज अ वेरी गुड लाइक यू नो जो आपको डिहाइड्रेशन से जो है बचाता है। गुड हाइड्रेशन, शहरी में कहते हैं कि दही खाना भी चाहिए। तो शेफ चले अब हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आपने अगर आपको ये लगता है कि नहीं आपको व्हीट फ्लावर गंदुम के उसमें वो करना है तो आप कोई बात नहीं, आप गंदुम मिक्स कर लें इसमें, ठीक है। आधा जो है वो आप अपना दही नॉर्मल मैदा एज पर योर टेस्ट आप जो है वो आटा या मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि जो दही वाले पराठे हैं उनका टेस्ट डिफरेंट होता है और जो लच्छे वाला पराठा है वो किस तरीके से बनाना है वो भी अभी शेफ ने बता दिया, क्योंकि लच्छों का बहुत मसला होता है। लेकिन जरा ये बताइए, वीट में नहीं बनेंगे? हाँ, वीट में जो है लच्छे नहीं बनेंगे आपके, आपको मैदा ही लेना होगा उसके लिए। अब मैं लेकर आ रही हूँ अपना ये वाला दही वाला पराठा, तवा हमारा ऑलरेडी गरम था क्योंकि अभी हमने लच्छे पराठे उतारे हैं। किनारों पर से आपने इसको जो है मैं थोड़ा सा पुश कर लिया है, प्रेस कर लिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि किनारे तुम्हारी रोटी के मोटे थे और पराठे जो थे वो साइड से जो है मोटे थे, तो शेफ ने ये देखिए आपने इसको मुसलसल मैंने प्रेस कर दिया। अब ये मैंने इस पर लगा दिया है घी और हम ये हो गया रेडी। ये देखें जी, ये दूसरा पराठा आपका आ गया है। लच्छा पराठा हम इधर कर देते हैं, ये रख देते हैं हम अपना दही वाला पराठा। दही वाले पराठे जो मैं आपसे कह रही थी कि ये खुले पड़े रहेंगे लेकिन तो भी ये कड़क नहीं होंगे, ये आप देख सकते हैं हाउ सॉफ्ट इट इज। ये देखें आप, हमने सारा प्रोसेस किया लेकिन आपको ये सख्त नहीं मिलेंगे, ये खुले पड़े हुए। और यही जब आप इन पराठों को फॉइल में लपेट के हॉटपॉट में रख देंगे तो ये आपको फ्रेश मिलेंगे, आपको ट्रस्ट मी आपको माइक्रोवेव में भी इसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ही इसको ट्राई कर लें और ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे।